तो वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 6वीं का जो विषय संस्कृत का पेपर है, यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पूरा जो पेपर है आपका रियल पेपर प्रोवाइड हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर जो आपका पेपर है हमारे पास पूरा पूरा अभी अभी आया है, सो हमने सोचा आपको प्रोवाइड करा दिया है। सो गाइस, हमने जो है सॉल्यूशन भी पूरा पूरा कर लिया है। सो गाइस, आपको सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला, पूरे पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलने वाला। देख लीजिए, यहाँ पर टोटल आपके 24 क्वेश्चन है, 24 के 24 क्वेश्चनों को आपका जो सॉल्यूशन है इसी वीडियो में मिलेगा। सो गाइस, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको वीडियो को एंड तक बने रहना। गाइस, वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि जो आपका असली पेपर है पूरा पूरा आ चुका है। सो गाइस, यहाँ पर जो यहाँ पर सभी विषय के पेपर हैं हम इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस, आप जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस, चलिए, यहाँ पर 20 सेट का पेपर है, यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन बार की सीट है आपकी जो 2022-23, यहाँ पर कक्षा 6वीं विषय संस्कृत, जो आपकी जानकारी आपको जो पिछले पेपर है आपने भरी थी उसी तरह भर देना। चलिए, अब आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर आप निर्देश पढ़ लेना, सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति। सो गाइस, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 से 10 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, निर्देश है, निर्देश विकल्पम चित्व लेखनत। सो गाइस, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है आधुलिखित शब्देशु अव्ययम नास्ति। सो गाइस, जो इसमें अव्यय क्या है, अव्यय हो जाएगा आपका पत्र। देख लीजिए, हमने राइट का चिन्ह लगा दिया और उत्तर में भी लिख दिया। सो गाइस, आपको यही लगा लेना है। फिर गाइस आ जाता दूसरा, आप याद करते चलिए अच्छे से फटाफट जल्दी से। यहाँ दूसरा है प्राचार अस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति। सो प्राचार में उपसर्ग हो जाएगा प्रा, प्रा उपसर्ग हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर उत्तर में लिख देना आपको प्रा। फिर गाइस तीसरा है 16 इतिहास संस्कृत संख्या अस्ति, 16 को संस्कृत संस्कृत संख्या हो जाएगी 16। यहाँ पर जो आ ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से याद कर लीजिए। यहाँ पर भी चौथा है सप्ताह प्रथमा दिन अस्ति, जो है यहाँ पर सोमवासरे हो जाएगा, सोमवासरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, जो बा ऑप्शन दिया हुआ है सोमवासरा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस पांचवा जाता है हस्तुम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, हस्तुम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा आपका। जो सा ऑप्शन दिया हुआ है तुमुन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, आपका कक्षा 6वीं संस्कृत यहाँ पर 20 सेट का पेपर है। चलिए, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका 6वां क्वेश्चन है अश्वा धापती, यहाँ पर धापती आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7वां पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति, पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति, पंचमी विभक्ति में हो जाएगी वृक्षार्थ। सो गाइस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस 8वां जाता है छवियस जननी नाम किम अस्ति, जो यहाँ पर हो जाएगा ये अंजना, अंजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आ ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस 9वां आ जाता है संस्कृत .. भाषा, संस्कृत भाषा शास्त्रस्य, शास्त्रस्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको उत्तर में क्या लिख देना है, शास्त्रस्य। सो गाइस, ये आपका जो है हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका 10वां, 10वां देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भोपाल नगरम .. राजधानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कैसे जाते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न 11 से 20 तक आपके लघु उत्तरी प्रश्न है, निर्देश अनुसार उत्तराणी लेखन। सो कैसे यहाँ पर क्वेश्चन 11वां परलोक के धनम किम, परलोक के धन के धनम किम, ये आपका हो जाएगा उत्तर परलोक धनम धर्म, परलोक धनम धर्म, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कैसे 12वां जाता है अयोध्या नगरी कस्मिन प्रदेश अस्ति, अयोध्या नगरी जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही हो जाएगी आपका राइट आंसर, अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश अस्ति, ये आपका उत्तर में लिख देना है। फिर गाइस 13वां जाता है आदि कवि कहाँ अस्ति, आदि कवि वाल्मीकि अस्ति, ये आपका 13वां का आंसर हो जाएगा। फिर गाइस 14वां आ जाता है कस्मात जना श्री कृष्ण से इतिहासम जानती, तो इसका उत्तर हो जाएगा सांदीपनी आश्रमात जना श्री कृष्ण से इतिहासम जानती। सो गाइस, ये आपका 14वां हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट है, नेक्स्ट गाइस आपका 15वां, 15वां क्या कह रहा है मोहना रात्रोद्धो किम पश्यति, सो इसमें हो जाएगा मोहना रात्रो दूरदर्शनम पश्यति। सो गाइस यह 15वां हो जाएगा। 16वां है रुचिकरा भाषा कास्ति, यहाँ पर हो जाएगा रुचिकरा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, ये आपका 16वां हो जाएगा। 17वां दीपावली लक्ष्मी कदा पूज्यते, इसमें हो जाएगा उत्तर हो जाएगा दीपावल्यम लक्ष्मी अमावस्याम पूज्यते, ये आपका 17वां हो जाएगा। 18वां है गुणस्य अभिरम किम, सो इसमें हो जाएगा गुणस्य अभिरम ज्ञानम, ये आपका उत्तर 18वां का हो जाएगा। फिर 19वां है आवश्यकता केशम जननी अस्ति, इसका उत्तर हो जाएगा आवश्यकता अविष्कारणाम जननी अस्ति, ये आपका 19वां का आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद जो आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए 20वां है
दशरथ कति पुत्र आसन। सो गाइस जो दशरथ है उनके पुत्र यहाँ पर हो जाएगा दशरथस चत्वारा पुत्र आसन। सो गाइस ये आपका 20वां का आंसर हो जाएगा। फिर गाइस आ जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 21वां है, 5 अंक का। सो गाइस 5-5 अंक वाले आपके क्वेश्चन है 21 से 24 तक। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्या विषेद संस्कृत पंच वाक्यानि लेखन। सो पहला हो जाएगा विद्या धनम सर्वधनम प्रधान अस्ति। सो गाइस ये आप जल्दी से इन 5 पॉइंटों का आंसर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसे याद कर लीजिए जल्दी से फटाफट। फिर गाइस यहाँ पर 22वां आ जाता है, 22वां देख लीजिए, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा, मध्य प्रदेश पंच दृश्य स्थलानाम सूची निर्मित कुरत। जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में 5 दृश्य स्थल के नाम बताना है। पहला हो जाएगा भोपाल नगरम, दूसरा हो जाएगा इंदौर नगरम, दूसरा हो जाएगा आपका इंदौर नगरम, तीसरा हो जाएगा उज्जैनी नगरम और चौथा हो जाएगा आपका जबलपुर नगरम, पांचवा हो जाएगा महेश्वर। सो गाइस ये आपको 5 स्थलों के नाम लिख देना है। सो गाइस यहाँ पर 22वां का जो उत्तर हो जाएगा हमने लिख दिया, आप भी इसी तरह लिख देना है। फिर गाइस 23वां आ जाता है, यहाँ पर देख लीजिए 23वां का क्वेश्चन है सूर्य परोपकार आय तपती। सो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य किमर्थ तपती। सो या इसका उत्तर हो जाएगा आपका खा है माता सर्वया भोजनम पचती। सो इसका उत्तर हो जाएगा माता केव्या भोजनम पचती। इसका उत्तर देख लीजिए, हमने सभी के आपके उत्तर लिख दिए हैं। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए गामा क्वेश्चन है, गामा वृक्षभ्या फलानी जयंती। सो गाइस इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति सर्वभ्या सुखम ददती। सो गाइस इसका उत्तर देख लीजिए यहाँ पर। गाइस फिर आ जाता है आपका 24वां संस्कृत शब्द अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, जो है संस्कृत भाषा में अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर 5 अंक का, चलिए यहाँ पर देख लीजिए पूरा सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, सेवायाम प्रचार प्रधानचार अविंदिका विद्यालय, जो आपके विद्यालय का नाम हो आपको लिख देना है। सो फिर आपको दिनांक डाल देना है, जो है 10 अप्रैल को आपका पेपर है, सो आपको डाल देना है। महोदय हो जाएगा यहाँ पर, सभी नाम निवेदनम अस्ति यद अहम अघ असाशा ज्वार पीड़ितो असीम। सो इसका जो है अतः विद्यालय आगंतुम असीम कृपया महान दिन द्वयम अस्य अवकाशम यक्षन्तु भवताम महति कृपा भविष्यति। सो गाइस यहाँ तक आपको लिख देना भविष्यति तक। सो गाइस इस तरह आपका जो है अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र हो जाता है, आपको अच्छे से याद कर लेना, पूरा पेपर में जाकर छाप आना है। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट विषय का पेपर है वो भी हम आपको बिल्कुल रियल पेपर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो गाइस आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस जो आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर है हमने आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया, और गाइस जो नेक्स्ट विषय का पेपर है वो भी हम इसी तरह सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड करा देंगे आपको। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, तो गाइस आपको नेक्स्ट विषय का जो पेपर है वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। सो गाइस आप जल्दी से पूरे 60 में 60 लाएंगे अगर गाइस आप इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस जल्दी से इसे पूरा याद कर लीजिए, और गाइस सो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।